अस्सलामुअलैकुम गर्ल्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती भी दे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जस्ट ट्रैवलर और मैं नबील खान। बस आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी होने जा रही है। आज बन रही है हलीम या दलीम कह लें आप। ये मैंने 1 किलो चने की दाल ली, इसको मैं साइड आधी गो दिया था 1/2 टीस्पून मीठा सोडा लगा के। ये मूंगी की दाल है धुली हुई, ये मैंने 1 पाव ली है। और ये चावल का टोटा है, ये भी मैंने 1 पाव ली है। मसूर की दाल 1 पाव, दाल माश धुली हुई 1 पाव। ये बस ये जौ का दलिया, मैं इसमें गंदम यूज़ नहीं कर रहा, ना दलिया यूज़ कर रहा हूँ, ये बारीक दलिया है जौ का दलिया। इसको डालने से ये होगा कि जल्दी गल जाएगा, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो टाइम की बचत के लिए हम इसमें जौ का दलिया ऐड कर रहे हैं। ये चेक किसी ब्रांड का आपने ले लो। इन दालों को मैं आधा घंटा भिगो दूंगा इसको निकाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी रेसिपी हम शुरू करते हैं। इसमें दाल ऐड करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसको सोडा लगाया हुआ था, इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था 4-5 दफा पानी से। दाल माश आधा घंटा मैंने इसको भिगो दिया था। मसूर की दाल, इसको भी मैंने आधा घंटा भिगो के दोबारा धो लिया था। दाल मूंगी की, इसको भी आधा घंटा भिगो दिया था। और ये चावल का टोटा, बस ये जो जौ का दलिया है जो डब्बे में मिलता है इसको नहीं ऐड करेंगे, ये बहुत जल्दी गल जाता है। अगर गंदम साबुत और दलिया साबुत होता वो भी इसमें ऐड कर देते हम, वो इसको भी साइड आधा भिगो के, तो लिहाजा इसको ये बहुत जल्दी गल जाएगा, ये बिल्कुल बारीक है। अब इसके अंदर मैं टोटल जो पानी होगा वो 4 लीटर होगा, इसको मैं बॉयल आएगा तो इसको मैं हल्की आंच पर रख दूंगा, ये पकता रहेगा 2 घंटे या 3 घंटे। दाल को मैंने 2 घंटे पकाया, फुल टेंडर हो गई दाल, ये तैयार हो गया। अब हम मसाला बनाने लगे हैं। 2 अदद मैंने प्याज मीडियम लिए, इसमें नरम मर रही प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे ज्यादा लाल ना करें आप। दो टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, बस जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रहा हूँ ये ओरिजिनल देगी है। देगी प्लस में दही भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं दही ऐड नहीं कर रहा, मेरे ख्याल से ये खट्टा हो जाएगा थोड़ा सा, और इसमें टमाटर भी नहीं जाएंगे। अदरक लहसुन का कच्चा अपन दूर हो गया, अब इसमें मसाले जाएंगे। 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 3 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, फिलहाल 1 टेबलस्पून मैं नमक ऐड कर रहा हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यह स्पेशल मसाला हलीम मसाला, आप किसी अच्छी ब्रांड का ले लें आप। 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून, ये तकरीबन 4 टेबलस्पून बनता है। खुशबू इसकी बहुत माशाल्लाह अच्छी आ रही है, इसको मैं 1 मिनट भूनता हूँ। ये चिकन मैंने लिया है, ये ब्रेस्ट पीस है, बोनलेस मैंने करवा लिया था दुकानदार से, इसमें हड्डियां भी हैं, हड्डियों से ज्यादा अच्छा फ्लेवर होगा। ये आप साबुत इसमें ऐड कर दें, बाद में हम इसके रेशा खोल लेने। चिकन मैंने ऐड कर दिया इसमें,
मैं इसको कवर कर दूंगा, पानी नहीं ऐड करूंगा, ये अपना पानी छोड़ेगा। मैं इसको एक मिनट कवर करके इसको मैंने भून लिया एक मिनट अच्छी तरह। मसाला भूनने के बाद इसमें हरी मिर्ची आप ऐड कर दें 8 से 9 अदद, ये भी मसाले के अंदर ही, इसको भी आप भून लें थोड़ा सा। हरी मिर्चों के साथ भी अच्छी तरह हमने इसको भून लिया। इसकी खुशबू इस टाइम बहुत अच्छी आ रही है। इसमें एक गिलास पानी ऐड कर दिया, मैं इसको कवर करके रख दूंगा 15-20 मिनट के लिए। फिर चिकन हमारा बिल्कुल टेंडर हो चुका है, अब मैं चिकन सारा निकाल के इसके रेशे अलग अलग कर लूंगा। चिकन सारा मैंने इसमें से निकाल लिया, अलग कर लिया था, अब इसके रेशे मैं खोलूंगा। दोबारा हमने तेज़गा चढ़ा दिया जिसमें दालें सारी बॉइल हो रही थी, अब इस स्टेज पर आके इसमें दलिया ऐड कर दें। दलिया का जो डब्बा मुझे मिला 170 ग्राम का था, ये दलिया बहुत जल्दी गल जाएगा। अब दलिया थोड़ा गलता है, मैं आपसे 15 मिनट बाद मिलता हूँ। दस मिनट मैंने दलिया को पका लिया था, 10 मिनट के बाद मैंने जो मसाला था चिकन का उसमें ऐड कर दिया, सारा मसाला इसमें मैंने ऐड कर दिया। चिकन के रेशे हमने अलग कर लिए थे, आग हल्की सी नीचे जल रही है, इसमें सारा चिकन ऐड कर दिया। पहले थोड़ा सा पहले मैंने मशीन के साथ पेस्ट बना लिया था दाल का, अब बाकी मैं मशीन के साथ इसको भी गोटा लगा लूँ, फिर मैं आपसे मिलूँ। चिकन मैंने ऐड कर दिया था, अब इसको दोबारा आप मशीन से गोटा लगा लें। बस ये तैयारी पर है, तो एंड पर थोड़ा सा चाट मसाला इसमें ऐड कर दें। चाट मसाले के बाद 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 गरम मसाला पाउडर, देखिए कैसे रेशेदार हलीम तैयार हुआ। ये तैयार हो गया, अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा गाढ़ा रखना है तो आप इसको 5 मिनट मजीद पका लें, लेकिन मेरे हिसाब से ये तैयार है। अब इसको जो तड़का लगेगा उसके लिए मैंने घी डाला है और इसमें मैं प्याज ऐड करने लगा। प्याज हमारे लाल हो गए, जब प्याज लाल हो जाए फिर इसमें आप अदरक डाल, अदरक को ज़्यादा पकाना नहीं आपने। ये तैयार हो गया, इसमें मैंने प्याज लहसुन का जो तड़का लगा इसमें ऐड कर दिया, अब इसको मिक्स कर दिया। माशाल्लाह इतना प्यारा कलर है, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है इसकी। कैसे रेशेदार हली हमारा तैयार हुआ है, ये देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दलिया तैयार हो चुकी है। अब ये मैंने अदरक, धनिया, पुदीना, लेमन से गार्निश कर दिया, आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं।
अब इनकी पैकिंग कैसी होगी वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब इनकी पैकिंग के लिए आप देखें, ये मैंने बॉक्स लिया है। डब्बे सारे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए, ये देखें।